मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद, आपका अपना यूट्यूब चैनल इसे मैं इसमें स्वागत करता हूं। फिर आज का मेरा टॉपिक है SCFN LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। क्लियर? जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 6, 8 तथा 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता है। जब भी एग्जामिनेशन में रहे न्यूनतम संख्या निकालिए या छोटी संख्या निकालिए, तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, यानी लघुत्तम निकालना होता है। तो पहले मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ 4, 6, 8 और 9 का। चलिए एलसीएम निकालता हूँ। सो एलसीएम किसका निकालेंगे, 4, 6, 8 और 9 एलसीएम निकालना जानते हैं। इसका एलसीएम होगा 72। अब कह रहा है वह न्यूनतम संख्या यह जिसमें 4, 6, 8 तथा 9 से भाग देने पर शून्य शेष बचता है। अब इसमें दीजिए भाग, तो ये 72 में 4 से भाग दीजिएगा, पूरी तरह से कम्प्लीटली यह कैंसिल हो जाएगा, यानी शेष 0 बचेगा। 72 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 72 8 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और 9 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो क्लियर है ना, रिमाइंडर यानी शेष क्या बचेगा, 0। कभी रहा है कि इस केस में शेष क्या हो जाएगा, 0। और सेकेंड कंडीशन, और 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। 13 से भाग देने पर, ये लीजिए 13 से हम किस में भाग देंगे, संख्या में 13 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर यानी शेष कितना बचता है, 7 बचता है। और भागफल भी तो कुछ तो आएगा, मान लेते हैं कि भागफल के आया, तो सो संख्या इक्वल टू 13 × (+7)। ये आप जानते हैं ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुने कोशियंट प्लस रिमाइंडर, ये तो जानते हैं आप। सो संख्या इक्वल टू क्या होगा, 13 × (+7)। चूंकि हमें एलसीएम जो आया है वह 72 है, अब के प्लेस पर क्या हमें रखना होगा ताकि दोनों को प्रोडक्ट करने पर जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू 72 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब रखते हैं 1 रखिएगा 13, इससे एक्सीड नहीं हो रहा है, 2 रखने से भी एक्सीड नहीं हो रहा है, 3 रखिए 39 आएगा, के जगह 3 रखने से 39, 72 से एक्सीड नहीं होगा, 4 रखिए तो 52 आएगा, 13 × 4 = 52, 72 से एक्सीड नहीं होगा, 5 रखिएगा तो 13 × 5 = 65 एक्सीड नहीं हो रहा है, एक्सीड नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में, 6 रखिए तो 13 × 6 = 78 एक्सीड हो गया, तो हमें 6 नहीं रखना है। तो के का वैल्यू हमें क्या लेना है, सो 13 × 5, लेकिन 4 रखने से भी इसके अंदर रहेगा, लेकिन अंदर में भी जो इसके करीब का नंबर होगा वो हम लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 65 आएगा, और 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 78 आएगा, तो हमें इसलिए के जगह पर 6 नहीं रखना है, +7। सो 13 × 5 = 65 अब +7 दोनों के ऐड कर दीजिए, क्या होगा, 72। इसलिए ऑप्शन इसका होगा बी। बहुत ईजी है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 से भाग देन दिए जाने पर भागफल पूर्ण घनफल हो। ऑप्शन भी दिया हुआ है, हाँ। फल का मतलब समझते हैं, जैसे a × a × a इक्वल टू क्या होगा, a की, वही इसी को घनफल कहते हैं। क्लियर? तो इसमें किससे भाग दीजिएगा, अगर 625 में 25 से भाग दीजिएगा तो 25 ही आएगा, कितना आएगा, 25 ही आएगा, तो 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, चूँकि 5Q के फॉर्म यह नहीं आया, इसलिए यह आंसर तो होगा नहीं। 5 से डिवाइड कीजिएगा 625 में, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 125 आएगा, और 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 यानी 5 / Q, यानी इसको घनफल के रूप में हम लिखा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 5। दूसरा तरीका इसका क्या है, 625 है ना, तो 625 को फैक्टराइज कीजिए तो आएगा 5 × 5 × 5 × 5। इसको पूर्ण घनफल लाने के लिए, पूर्ण घनफल क्यूब के फॉर्म में लाने के लिए इसमें 1 5 को हटाना पड़ेगा, तभी तो आएगा 5Q × 5, ये एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको हटाने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी जो 5 रह गया उसको आप रिमूव कर दीजिए, तो जिसको आप रिमूव कर दें वही उसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 5। क्लियर? क्वेश्चन 3 देखिए, इसमें 2/3, 4/9 and 5/6 का लॉस ऑफ का राय निकालने के लिए, यानी एलसीएम का राय निकालने के लिए। फ्रेंड एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में हो यानी भिन्न के फॉर्म में हो, अगर उसका एलसीएम कहीं निकालने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, जो न्यूमरेटर है यानी
अंश, अंश का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भिन्न के फॉर्म में हो, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, इसी को इन्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश में, और इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। जब एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम निकाल लेंगे, हर का एससीएफ निकाल लेंगे, जब एलसीएम कहीं निकालने के लिए तब, और जब एससीएफ कहीं निकालने के लिए तो अंश का हम एससीएफ निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे, राइट। सो एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5, तो 2, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, रफ में देख लीजिए, 2, 4, 5 का एलसीएम, 2 से लगाइए, 2 1 2, 2 2 4, 5 का 5, तो 5 2 10, 10 2 20, तो ये हो गया 20। अब डिनोमिनेटर क्या क्या निकालना है, एससीएफ निकालना है, सो एससीएफ निकाल दीजिए, 3, 9 एंड 6 का, देखिए एससीएफ क्या होगा, 3 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1, 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, और एससीएफ में क्या होता है, तीनों में जो कॉमन होता है वही एससीएफ होता है, राइट। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3, सो इसका एससीएफ हो जाएगा 3। मान क्या रहा है, इसका लघुत्तम समवर्तक, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम ऑफ किसका, 2/3, 4/9 एंड 5/6 का एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में एलसीएम रखेंगे, जो मांग रहा है उसको ऊपर में रखेंगे, और एससीएफ को हम नीचे रखेंगे, सो आंसर क्या हो जाएगा, 20/3, यानी ऑप्शन बी, क्लियर। फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक ना। तो 5 अंकों वाली वह छोटी छोटी संख्या निकालिए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। इसका मतलब है कि 12, 18, 21 से कंप्लीटली या डिविजिबल है, पूर्ण भाग लग जाता है, तो इस कंडीशन में शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। क्यों से 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 12, 18 से यह विभाज्य है। जब विभाज्य होगा तो हमेशा ध्यान रखिए, तो शेष बचेगा 0, क्लियर। तो 5 अंकों वाली छोटी संख्या बताइए, तो 5 समझ 6 जाइए इसका मेथड। 5 अंकों की छोटी संख्या आप जानते हैं ना क्या होता है, छोटी संख्या 1 पर 4 0 बैठा दीजिए, तो 5 अंक हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। अब हमें क्या करना है, छोटी संख्या में बताया हो ना, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो 12, 18 और 21 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेते हैं किसका, 12, 18 और 21 का, रफ में देखिए, 12, 18, 21 का एलसीएम, 2 से लगाइए यहाँ 6 आएगा, 2 से लगाइएगा तो 9 आएगा, ये 21 में 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब 3 से लगाइए, 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36, और 36 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से 52, यानी इसका एलसीएम हो गया 252, क्लियर। इसको मैं शॉर्ट में नाम दे देता हूँ एल, एल का मतलब एलसीएम। शेष कितना बच रहा है, 0। शेष का मैं नाम दे देता हूँ के, के इक्वल टू मान लेता हूँ शेष, शेष है यहाँ पर 0। अब आपको क्या करना है, ये जो 5 अंक की जो छोटी संख्या लिए हैं, इसमें इस L से यानी 252 से भाग दे दीजिए, दीजिए भाग, 1, 2, 3, 4 में 252 से भाग दे दीजिए। देखिए लगाइए किससे लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6, 5 3 15, कैरी 1 यानी 756 आ रहा है। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा 244 ही, फिर यहाँ पर एक 0 लगा दीजिए। अब देखिए किससे लगेगा, 9 से लगाइए, 9 2 18, कैरी 1, 9 5 45, 1 46, कैरी 4, 9 2 18, 2 20, 2 22, 2268, 2 2, तो 7 1, 172 नहीं, इसको मैं आप मान लीजिए आर, यानी रिमाइंडर। अब मान क्या रहा है, 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो चलिए आंसर देखिए, 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या इक्वल टू 10,000 प्लस एल माइनस आर प्लस के, बस इसी फार्मूला को दिमाग में रखना है,
10,000 प्लस एल कितना है 252 माइनस आर कितना है 172 के कितना है 0। अब सॉल्व कर दीजिए, तो 10,000 प्लस 252 में 172 को घटाइए, देखिए कितना आता है 80 आएगा, कितना आएगा 80 और प्लस 0, तो 0 को ऐड कीजिए चाहे नहीं कीजिए उसे कोई बेनिफिट नहीं है। अब सबको ऐड कर दीजिए तो 1080 यही आपका आंसर आ जाएगा, 10,080 यानी ऑप्शन ए है ना, बहुत ही आसान तरीका है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसमें 10, 12, 16 और 18 से भाग देने पर शेष 27 रह जाए। इससे पहले के क्वेश्चन में शेष क्या था 0 था और इस क्वेश्चन में शेष क्या है 27 है। प्रोसीजर में बता ही चुका, एकदम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। चलिए 5 अंकों की छोटी संख्या जानते हैं, 5 अंकों की छोटी संख्या, एग्जामिनेशन में इतना नहीं लिखना, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, क्लियर। अब छोटी संख्या में क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ, एल मान लेते हैं एलसीएम को, एलसीएम ऑफ किसका 10, 12, 16 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालना जानते ही हैं, इसका एलसीएम आएगा 720 निकालने के बाद, क्लियर। क्या नियम मैं बताया हूँ, इस 10,000 में इस 720 से भाग दे दीजिए। और एक चीज़ और मैं लिखना भूल गया हूँ, शेष क्या है 27, शेष के को मान लेते हैं शेष, यानी आपको बताया हूँ शेष है 27। अब चलिए एल से भाग दीजिए, एल कितना है 720, भाग दीजिए 10,000 में, ये 3 अंक से लगाइए, 1 से लगेगा 720, घटाने के बाद इसका आएगा 280, एक 0 रह गया यहाँ 0 लगाइए, 3 से लग जाएगा, 3 से लगाइएगा तो 2160 नहीं तो इसका आएगा 640। ये जो रह गया ये क्या है आर, अब मांग रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इसलिए छोटी से छोटी संख्या 5 अंक की कितना होगा संख्या इक्वल टू 10,000 प्लस एल माइनस आर प्लस के, सो 10,000 प्लस एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 720, तो लिखिए 720 माइनस आर 640 और के का वैल्यू दिया हुआ है 27, तो लिख दीजिए 27। सो 10,000 प्लस 720 में 640 चला जाएगा तो रह जाएगा 80 और प्लस 27, सो 10,000 और प्लस 107 जोड़ दीजिए दोनों को तो आएगा 10107, यानी ऑप्शन देख लीजिए कहाँ आएगा, यानी ऑप्शन डी। सो फ्रेंड इतना एग्जामिनेशन नहीं करना है, 5 अंकों की छोटी संख्या आप जानते ही हैं, डायरेक्ट इसका एलसीएम लगा करके 10,000 में भाग दे दीजिए, रिमाइंडर का पता चल जाएगा, मेन टर्म ये चीज़ है, बस ये चीज़ अगर आप समझ गए तो कहानी समाप्त। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, जय हिंद।